रामपुर के सोड़ी कॉलोनी में बदमाशों ने एफसीआई कर्मचारी और उनकी किराएदार शिक्षिका के घर में डकैती की। बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को तमंचे के जोर पर 8 लाख से ज्यादा के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। एएसपी सुधा सिंह ने कहा कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। नाम से बोले पुलिस है हम, और उन्होंने पुलिस कहने के बाद 7-8 लोगों ने दरवाजे धड़ 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 जोर जोर से बजाना शुरू करा। हम पीछे गिर गए, जाके चटकरी टूट गई। तो फिर उन्होंने हमारे ऊपर रिवॉल्वर लगा दी 3, और फिर वो सब लोग खाने लगे, मारा पीटा। फिर मिसेज को और बच्चे को दूसरे कमरे में गए, मुझे इस कमरे में बांध दिया। इन भाई साहब को और भाई जी को उधर दूसरे कमरे में बांध रखा था पहले, हमसे पहले। वो कम से कम 7-8 लोग रहे होंगे। हमारा हमारा तो 1.5 लाख ले गए रुपया नकद कैश, और क्या कहते हैं 6 तोले सोना, और 10 तोले करीब चांदी रही होगी। और बहन जी का ले गए 6 तोले सोना। आपको थाने में सोनी कॉलोनी ईस्ट में जो है वो 2:30 की रात्रि को एक घटना हुई जिसमें वादी गोपाल दास के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया कि उनके रात्रि में उनके घर में 3-4 बदमाश घुसे और उनकी पत्नी के और उनके जेवर और कैश लूट करके ले गए। अभी उन्होंने अपनी रकम या उसका ज्वेलरी का डिस्क्रिप्शन नहीं सौंपा है। इतनी तहरीर उन्होंने दी जिसके आधार पर 392 ITC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई शीघ्र ही इसका घटना का अनावरण अभियुक्तों की गिरफ्तार की जाएगी।